नंबर 46 दानिश अली जी। क्वेश्चन नंबर 46। माननीय मंत्री महोदय, चेयरमैन सर, स्टेटमेंट लेड ऑन द हाउस ऑफ टेबल। माननीय सदस्य सर, यूनानी पैथी इस देश की अपने बहुत ही हिस्टोरिकल उसका वो है, और जब ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे तो 1910 में उन्होंने इसको अनसाइंटिफिक कह करके इसको पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हकीम अजमल ख़ान साहब ने मूवमेंट चलाया और 1913 में दिल्ली के अंदर ही तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद रखी गई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन अभी जो पिछले दिनों इंडियन कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन बनाया गया, सर इस देश के अंदर यूनानी के करीब 52 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, 15 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। उसमें क्या किया है कि जो यूनानी सिद्धापैथी और सोवा रिग्बापैथी को एक इकट्ठा कर करके एक बोर्ड बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप जैसे आयुर्वेद का अलग बोर्ड है और उसमें भी ये जो बोर्ड बनाया गया है उसको हेड कर रहे हैं सिद्धापैथी के, जिनके सिर्फ 12 कॉलेजेस हैं, क्या आप अलग से यूनानी का बोर्ड बनाएंगे? और जो जैसा आयुर्वेद में सर्जरी की परमिशन दी गई है और यूनानी में भी पहले दी गई थी, लेकिन वो किसी कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शायद कोर्ट में गया है, वहाँ से अगर विकेट होता है तो आयुर्वेद के साथ साथ क्या माननीय मंत्री जी आप यूनानी के पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी जो है सर्जरी का मौका देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी परम आदरणीय सांसद कुंवर दानिश अली जी, आपने जो सवाल इस सदन में लाए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आयुष के बारे में आप सबको मालूम है कि पिछले 7 साल के अंदर आयुष ने जो तरक्की की है, जो सफलता प्राप्त की है, सिर्फ देश के अंदर नहीं सारी दुनिया में, इसके पीछे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के आदर्शवादी नेता नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी के दिए हुए शक्ति, साहस और उनके निष्ठावान कदम के जरिए आज आयुष ने दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं उनकी एक उदाहरण देना चाहता हूं। WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, एक उन लोगों ने निर्णय किया है, अनाउंस किया है WHO ने, टू सेट अप ए सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। दिस इज द ओनली एंड वन इन द वर्ल्ड, सो दैट इज द रिकॉग्निशन कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सोवा रिग्बा, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी। सो इसलिए उसको हम अलग नहीं कर सकते। और आपकी जो सवाल है रिगार्डिंग सर्जरी, इस सिलसिले में कदम उठाया गया था और विषय सब्जुडिस है, आपको भी मालूम है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से सदन को ये विषय हमेशा मन में रखना जरूरी है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही हिंदुस्तान का ये जो शक्ति दुनिया में बढ़ाने का काम करना होगा। और आज WHO ने जो निर्णय ली है, ये ऐसे ही निर्णय नहीं लिए, अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुआ है, सारे दुनिया का आंकड़ा उन्होंने अध्ययन किया है। और हमारी पिछले दिनों में हमारे आयुष क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग जो महापुरुष है, जो योगा गुरु है, जो हीलर्स है, जो प्रैक्टिशनर्स है, जो स्कॉलर्स है, जो टीचर्स है, जो रिसर्चर्स है, सब लोगों का, देशवासियों का मेहनत का ये फल है। तो इसलिए सारे विषय को आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसी नेतृत्व दी, इसके वजह से आज योगा को
दुनिया ने अपना लिया है, श्रद्धापूर्वक उन्होंने उसको स्वीकार किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हमारे परम आदरणीय संसद जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस विषय पर विश्वास रखिएगा, किसी भी हालत में ये कोई भी अलग नजरिए से किसी को देखा नहीं जाएगा। और आज आपको मैं आपके जानकारी के लिए मैं विशेष रूप से ये आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ कि आज हमारी यूनानी की 22 इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग प्रांतों पर काम कर रहा है, और 3 को लोकेशन सेंटर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और 1 एक्सटेंशन सेंटर ऑफ सियर। माननीय मंत्री जी घड़ी पर भी देख लिया करें, 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। मैं माननीय सांसद जी को जवाब उनका पूरा आप प्रश्न पूछते हो तो जवाब भी सुनो। मान्य हर्षवर्धन जी का सुनते थे ना, वैसे आप उनका सुनो। ठीक है मान्य अध्यक्ष जी, सुनाओ पूरा सुनाओ। हमारे नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और नहीं आप मान्य अध्यक्ष जी, मैंने इन्हें इजाजत दी है ना आपको, तो आप तो बोलो, आप उधर क्यों देखते हो। आपकी आपके पैर में चोट है, आप बैठ जाओ। मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, रिसर्च और अलग अलग हमारी पैर में चोट है, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कोलैबोरेटिव रिसर्च भी चल रहा है, इसलिए आज यूनानी जी जो तरक्की की है, यूनानी जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आयुष फैमिली। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को ही जानकारी देना चाहता हूं कि अगले दिनों में और भी इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए आप सब सहयोग करें। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त।